हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एयर सेपरेटर। तो हम इस साइज सेपरेशन पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। इसमें हम साइक्लोन सेपरेटर, सीप सेकर और बाकी इनके लेक्चर कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए समझते हैं आज एयर सेपरेटर। तो हम इस चैप्टर में सब में यही पढ़ रहे थे कि हम सेपरेट कर रहे हैं साइज़ों को, जो जैसे कभी हम साइज रिडक्शन करते हैं तो दो चार तरह के मतलब पार्टिकल टूटते हैं, मतलब तरह तरह के साइज़ उनके डिफरेंट होते हैं। तो हमको सेम साइज के चाहिए होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं, तो हम इन्हीं की हेल्प से करते हैं। आज हम समझेंगे एयर सेपरेटर के बारे में। तो इसका प्रिंसिपल भी सेम हमारा साइक्लोन सेपरेटर की तरह काम करता है, जो हमने कल पढ़ा था। वो आप अपने प्रीवियस लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। तो हम समझते हैं, तो इसमें भी हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स काम करता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये समझते हैं कि जब हम कोई भी राउंड राउंड हमारी बहुत तेज़ हवा चलती है, या एयर का कोई भी मतलब राउंड गोल गोल हमारे ऐसे बन जाता है, बवंडर टाइप भी बोलते हैं हम उसको, वो हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। मतलब बनते हैं ये, हमारे वर्टिक्स बनते हैं। तो अब ये काम करते करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। एक हमारा ये साइक्लोन मतलब सिलिंड्रिकल बेस में हमारा ये होता है, कॉनिकल बेस होता है। यहाँ से नीचे आउटलेट होते हैं, ये हमारे लगे होते हैं मोटर स्विच, मोटर लगी होती है। मतलब इसमें क्या है, एक रोटेटिंग डिस्क अटैच है और एक रोटेटिंग ब्लेड अटैच है। मतलब ये रोटेटिंग घूमते हैं। अब हमने जो साइक्लोन पढ़ा था उसमें क्या था, हम फ्लूइड प्रेशर डाल रहे थे इधर से, लेकिन इसमें जो ये प्रेशर है ना एयर, इसको क्रिएट करने के लिए हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब एक ये मोटर लगी हुई है जिसमें हमारे रोटेटिंग डिस्क है, घूमने वाली एक डिस्क है और एक रोटेटिंग ब्लेड है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे ये एक आउटलेट है फाइन पाउडर के लिए, अब यहाँ पे, और एक आउटलेट है हैवी पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए। तो ये हमारा सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया है राइटिंग में, नोट्स अगर आपको लिखने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना। अब इसका वर्किंग समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सिंपल फ्रेंड्स है कि यहाँ पे ये हॉपर लगा हुआ है, इसमें जब हम कोई भी ड्रग जो हमारा मिक्सर है उसको हम इस यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये ड्रग पार्टिकल हमारे नीचे गिरने लगते हैं। अब ये नीचे यहाँ पे गिरे तो इन जो स्लाइड है ना ये हम ऑन कर देते हैं, ये घूमने लगती है। अब क्या है, ये यहाँ पे टकराया, अब ये घूम रहे हैं तो ये स्पेस में क्या है, यहाँ पे हवा क्रिएट, कोई भी पंखा वगैरह चलता है तो वो क्या करता है, हवा ही तो क्रिएट करता है, पंखा बहुत तेज मतलब हवा क्रिएट कर रहा है ना। तो जब ये घूम रहे हैं तो यहाँ पे एयर क्रिएट कर रहे हैं और ये यहाँ पे टकरा रहे हैं फूड इंडेड, तो ये इनको भी आपस में घुमा रहा है। तो ये जब यहाँ पे राउंड राउंड पूरे स्पेस में घूमने लगेंगे, यहाँ पूरे साइकिल इसमें मतलब साइकिल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखने की बात है कि एग्जांपल भाई इसमें सेम लगेगा कि जब हम गेहूँ वगैरह को जब हम अलग करते हैं भूसे, गांव वगैरह में देखा होगा मोस्टली केसों में, तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं ना वो हमारे पास गिरते हैं बीच में, और जो हमारे वो भारी हल्के पार्टिकल होते हैं बहुत हल्के, वो हमारे थोड़े दूर जा जा के गिरते हैं। मतलब अगर हम कहीं करते हैं यहाँ से हम गिराते हैं तो भारी पास गिरेगा और दूर हल्के। ये तो सिंपल लॉजिक है कि हवा के साथ हल्के पार्टिकल उड़ के दूर तक चले जाते हैं और भारी पार्टिकल है वो वहीं गिर जाते हैं। कोई पत्थर वगैरह होगा तो वो नहीं उड़ेगा, वो वहीं रह जाएगा, लेकिन जो मिट्टी वगैरह होती है वो हवा जब बहुत तेज चलती है तो उसके साथ वो उड़ने लगती है और दूर दूर तक जाके गिरती है। यही हमारा सिंपल इसमें बेसिक मैकेनिज्म है कि जब हम ये चलाते हैं तो जो पार्टिकल यहाँ से गिर रहे हैं ना, तो जो फाइन पाउडर है, फाइन पाउडर मतलब मिट्टी समझ लो बारीक मिट्टी की तरह, वो हमारा दूर दूर गिरेगा तो वो इन किनारों से टकरा के, इन किनारों से टकरा के यहाँ से यहाँ गिरने लगेगा और यहाँ शिफ्ट हो के यहाँ से हमारा आउटलेट मिल जाएगा फाइन पाउडर के लिए। लेकिन जो भारी पार्टिकल है ना वो क्या, जब घूमते हैं तो वो बीच में यहीं पर गिरने लगेंगे और यहाँ हमारे गिर गिर के इधर से हमारे इकट्ठे हो जाएंगे फाइन हैवी पार्टिकल, जो मतलब भारी है थोड़े बड़े बड़े हैं। तो सिंपल, कितना सिंपल है फ्रेंड्स कि ये मतलब डाला हमने हॉपर, इसको चालू कर दिया, ये हमारा घूमने लग गया, घूमते घूमते अब जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल वो हमारे बीच में गिर जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल है वो हमारे यहाँ साइड से इकट्ठे होकर इसमें मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे हमें, ये हमारे फाइन पाउडर। तो यही हमारा सिंपल इसका वर्किंग है कि ये ऐसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, यूज़ क्या है इसका। सबसे मतलब अच्छा यूज़ इसका ये है कि ये हमारा यूज़ होता है, इट ऑफ्टन अटैच टू द बॉल मिल और हैमल मिल टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवर साइज पार्टिकल फॉर फर्दर साइज रिएक्शन। अब जैसे हमने हैमर मिल और वो पढ़े थे हमने पिछले साइज रिएक्शन वाले चैप्टर में, तो सब हैमर मिल ने और इन्होंने साइज को रिड्यूस किया तो कुछ पार्टिकल जो बड़े रह जाते हैं अब हमको छोटे चाहिए, तो इसने क्या किया, ये उससे अटैच कर देते हैं, यहाँ हॉपर उससे अटैच कर दिया, उसके रिसीवर से ये अटैच कर देते हैं, यहाँ से हमारा पार्टिकल अंदर जाएगा और यहाँ से हमारे सब वो सेपरेट आउट होके यहाँ से, और जो बड़े बड़े पार्टिकल हमारे यहाँ से निकले, यहाँ से जो हमारे हैवी पार्टिकल वो दोबारा हम हैमर मिल में डाल देंगे, वो और छोटे हो जाएंगे दोबारा। जो हम ग्राइंडर वगैरह मिक्सर यूज करते हैं हम घर वगैरह में, तो क्या होता है, हम एक बार पीसते हैं उसके बाद हम उसको सीप से छान लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए पार्टिकल होते हैं जो बड़े बड़े उनको हम दोबारा पीसते हैं, दोबारा हम उसको मिक्स करते हैं,
वही सिंपल मैकेनिज्म है, ये ऐसे हमारा हेल्पफुल करता है। यही हमारा हो गया आज का एयर सेपरेटर। अब आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेपरेटर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।